हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू रिवाइज लॉ एंड बिजनेस करेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग इन 20 डेज। 20 दिन के अंदर अंदर लॉ और बिजनेस करेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग को कितने अच्छे से रिवाइज किया जाए कि हम लोग अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें। जितना भी प्रिपरेशन आपका हुआ है उनको एक अच्छे से एज देकर, एक अच्छे से ग्रिप देकर हम लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को, मतलब कि आपके चैनल को, आपके अपने चैनल को, कॉमर्स भक्त को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज आपने इस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। यार लाइक का बटन तो प्लीज दबाना ही चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज लाते रहता हूं और भी फ्यूचर में स्ट्रैटेजीज आती रहेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेल का बटन भी आप जरूर से जरूर दबाइए। सब्सक्राइब का बटन तो दबाएंगे ही, लेकिन उसके साथ जो बेल का बटन आता है वो उसको भी आपको दबाना पड़ेगा कि रेगुलरली अगर मेरा कभी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। तो आइए मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके सामने कि कैसे लॉ को हमें इतने अच्छे से पढ़ना है 20 दिनों में कि हम लोग एग्जाम में जाके उसका आउटपुट बहुत बढ़िया से निकाल पाए। सबसे पहले सुनिए एक गाइडलाइन। You have to study law for at least 2 hours per day. 2 घंटा तो पढ़ना ही है हर दिन लॉ को 2 घंटा तो आपको पढ़ना ही है। और you have to study BCR for at least 30 minutes per day. यही लाइन पे हमें इग्नोर करता है। भूलिए मत दोस्तों कि हमें BCR ही पास करवाएगा, क्योंकि लॉ हमारे लिए नए सब्जेक्ट है। हो सकता है कि आप में से 50% 60% बच्चे लॉ में कमजोर होंगे, लेकिन आपका स्कोर करने का चांस ये BCR देता है। इसीलिए BCR को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि BCR ही मार्क्स दिलाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट स्टार्ट विद द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। पहला दिन जो आप स्टार्ट करने वाला हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से स्टार्ट कीजिए और उसको लगातार 3 दिन तक पढ़े और कंप्लीट भी कर दें। कंप्लीट कैसे करें हम, मतलब कि RTP MTP जितने भी पेपर्स हैं सारे को देखोगे। सबसे पहले तो आप प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले तो आप रिवाइज करोगे। 2 दिन में लेट से आप रिवाइज कर लिए और उसके बाद वाले दिन, मतलब लास्ट वाले दिन में आप RTP MTP फर्दर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ पेपर्स आप देखने लगे। तो इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसी तरह से आपको 3 दिन में रिवाइज करना है अपने लॉ सब्जेक्ट्स को, मतलब कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर को। BCR का यहाँ देखिए कि फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रेसिस राइटिंग एंड कंप्लीट इट इन 1 डे। 1 दिन से ज्यादा का टॉपिक नहीं है प्रेसिस राइटिंग। सबसे पहले तो प्रेसिस आप कर ही लीजिए, बिकॉज हर बार ही क्वेश्चन आता है, हर बार ही 5 मार्क्स का एक अच्छा खासा एक मौका आता है और उसको गवा देते हैं। 1 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, आपको प्रेसिस बन जाएगा आराम से। अब मैं बताता हूं उसके बाद BCR में क्या, एक दिन तो आप सबसे पहले प्रेसिस ही करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। कम्युनिकेशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप आराम से 1 घंटे में निपटा सकते हैं। मैंने तो फिर भी आपको 2 घंटे दिया, लेकिन उस चैप्टर में क्या है ना, उस चैप्टर में एटलीस्ट हर बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन सब रहता है, वर्टिकल, मतलब कि ये डायगोनल कम्युनिकेशन, वर्टिकल, ये वो। तो इसको तो जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको फ्री में मार्क्स मिल जा सकता है लॉ में। आप देखिए, फिर आप स्टार्ट कीजिए कंपनीज एक्ट, मतलब फिर आप कंपनीज एक्ट स्टार्ट कीजिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर आपको कंप्लीट हो गया तो आप कंपनीज एक्ट स्टार्ट कीजिए। ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, इसको 3 दिन में आराम से कंप्लीट किया जा सकता है, आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ, इसको आराम से बहुत अच्छे से पढ़िएगा और फिर वही मैं बात बताया हूं कि RTP MTP तो सॉल्व करना जरूरी है। हो सकता है कि आप 2 दिन में पढ़ ले सारा कुछ, सारा कंसेप्ट 2 दिन में पढ़िए और RTP MTP लास्ट के दिन में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 3 दिन यहाँ 3 दिन यहाँ देन, मतलब और सॉरी BCR का तो मैं बताना ही भूल गया। BCR का राइटिंग स्किल 6 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। BCR का मेरा कितना दिन हुआ यहाँ पर, मैंने प्रेसिस राइटिंग को 1 दिन दिया, कम्युनिकेशन को 4 दिन दिया। मैं आधे आधे घंटे करके ही पढ़ रहा हूँ हर रोज, देखिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, आधे आधे घंटे करके ही पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं प्रेसिस को 1 दिन दिया, कम्युनिकेशन को 4 दिन दिया और राइटिंग स्किल को 6 दिन दे दिया, क्योंकि राइटिंग स्किल ही 20 मार्क्स का आता है, 20-25 मार्क्स का राइटिंग स्किल ही आ जाता है। इसीलिए 6 दिन दे दो यार, अच्छे से करो, हर दिन हर राइटिंग स्किल सीखो। मतलब आज लेटर राइटिंग कर लिए, कल आर्टिकल राइटिंग कर लिए, परसों ये कर लिए, कुछ भी जितने भी राइटिंग्स है, राइटिंग स्किल है, उसको सीखो अच्छे से। मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 3 दिन में कर लिए और यहाँ पर कंपनीज एक्ट भी 3 दिन में कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, देन कंप्लीट द पार्टनरशिप एक्ट इन 3 डेज।
पार्टनरशिप एक्ट करके भी आपको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करके भी आपको एक चैप्टर आता है, उसको भी आपको 3 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को लॉ का टोटल दिन कितना हुआ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए मैंने 3 दिन रखा था, कंपनीज एक्ट के लिए मैंने 3 दिन रखा, पार्टनरशिप एक्ट के लिए हमने 3 दिन रखा, तो कुल मिला के हो गए 9 दिन। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि अगर कोई रिमेनिंग चीज है, अगर कोई रिमेनिंग है चैप्टर बीसीआर में, कंप्लीट कर लीजिएगा अपने बीसीआर के रिमेनिंग चैप्टर 4 दिन में, ठीक है। उसके बाद हमारे यहां पर हो चुके हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 3 दिन में, कंपनी एक्ट 3 दिन में और पार्टनरशिप एक्ट 3 दिन में। उसके बाद आप एलएलपी के लिए जाइएगा, 1 दिन में कवर कर दीजिएगा एलएलपी। एलएलपी में कुछ नहीं है, 1 दिन में कवर किया जा सकता है आराम से, उसी दिन के उसी दिन आरटीपी एमटीपी देख लीजिएगा, 1 घंटा ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े पर लीजिएगा, खत्म कीजिएगा एलएलपी को। यहाँ पर तो स्लॉट खाली खाली हो गया अभी, तो यहाँ पर तो आप पढ़ सकते हैं एलएलपी को आराम से। उस दिन आप बीसीआर नहीं पढ़िएगा, उस दिन एलएलपी को कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा। यहाँ पर देखिए, उसके बाद एट लास्ट स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा एक्ट को लास्ट में स्टार्ट करिएगा और 6 दिन दीजिएगा उसको अच्छे से कंप्लीट कर दीजिएगा। तो मैं अगर इसका टोटल करूं कितने दिन में कवर हुए हैं सारे, 6, 1 दिन, 7 दिन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, लॉ को 16 दिन लगे हैं और बीसीआर को 15 डेज लगे हैं। लॉ को 16 डेज लगे हैं, बीसीआर को 15 डेज लगे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, टेस्ट लिखना तो नहीं भूलिएगा, 3 टेस्ट लिखना पड़ेगा। कितने दिन में लिखना पड़ेगा, विदिन 2 डेज यू हैव टू राइट 3 मॉक टेस्ट पेपर ऑफ लॉ। विदिन 2 डेज यू हैव टू राइट 3 मॉक टेस्ट पेपर ऑफ लॉ एंड इन रिमेनिंग 3-4 डेज यू प्लीज डू रिवाइज ऑफ लॉ फॉर 1 more time। लास्ट के 3-4 दिन और भी बचते हैं आपको, टेस्ट लिखने के बाद भी 3-4 दिन बचेंगे आपको, उसमें आप या तो 2 ही दिन बचेंगे, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप उस जो भी पढ़ा वापस एक बार रिवाइज कर लोगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आईसीआई मॉड्यूल को ना छोड़े, आईसीआई मॉड्यूल को तो जरूर फॉलो करें, उसकी वर्डिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में एग्जामिनर को उसकी वर्डिंग नहीं मिली तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, और स्कैनर को सॉल्व करें ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। इट विल गिव यू द एज टू स्कोर मोर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स लाओगे आप अगर ये सब चीज फॉलो करोगे तो। आप फिर से वापस एक समराइज वे में मैं अगर बताना चाहूं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को 3 दिन में कवर कीजिए, लॉ के फिर कंपनी एक्ट को 3 दिन में कवर कीजिए, पार्टनरशिप एक्ट को 3 दिन में कवर कीजिए, एलएलपी को 1 दिन में कवर कीजिए और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 6 दिन में कवर कीजिए, टोटल हो गया 16 दिन। और यहाँ बीसीआर को सबसे पहले तो प्रोसेस राइटिंग से स्टार्ट कीजिए, 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद कम्युनिकेशन को 4 दिन दीजिए, 4 दिन में कवर कर दीजिए। उसके बाद ये बीसीआर के राइटिंग स्किल को 6 दिन दे दीजिए आराम से, क्योंकि 20-25 मार्क्स के यहाँ से आते हैं, और ये एंड कंप्लीट रिमेनिंग चैप्टर्स इन 4 डेज, जो भी रिमेनिंग रह गया है उसको 4 दिन में कंप्लीट कर दीजिए। यहां पर देखिए, कम से कम आपको 3 टेस्ट देने हैं और वो भी 2 दिन में, और आईसीआई मॉड्यूल और स्कैनर को फॉलो करना है। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत यूजफुल लगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज हर रोज आती रहेगी, ऐसे ऐसे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, कैलकुलेटर ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज, मतलब आती रहेगी हर रोज। तो आप बेहतर है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए साथ में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।